तो भाई लोग आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच नंबर 18 है ना, इसमें वेस्ट इंडीज के सामने होगा युगांडा। आप तो सोचोगे कि युगांडा वेस्ट इंडीज का क्या उखाड़ पाएगा, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज ने पहला मैच खेला था ना पपुआ न्यू गिनी के सामने, भैया हारते हारते रह गया था, मतलब मैच फंस गया था। मुझे दोस्तों युगांडा की बात करें तो अफगानिस्तान के सामने मैच हरा जरूर, लेकिन पपुआ न्यू गिनिया से जीत कर आया है, तो जो उसका हौसला है ना वो सातवें आसमान पे है। तो भैया क्या पपुआ न्यू गिनिया उलट फेर कर सकता है, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया है। तो टी20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे उलट फेर होते रहते हैं, तो क्या युगांडा ऐसा उलट फेर कर सकता है, या जो वेस्ट इंडीज है वो बोलेगी बहुत हो गया, बहुत बार मुझे जख्म मिले हैं, कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते वर्ल्ड कप के लिए, कभी मैच हार के बाहर हो जाते हैं, इस बार ही ऐसा कुछ नहीं होना। चलो पता लगाते हैं कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच, वेस्ट इंडीज या फिर युगांडा। वैसे ये दोनों टीमें हिस्ट्री में पहली बार टी20 में आमने सामने होगी, इससे पहले इनके बीच में कोई भी टी20 मैच नहीं खेला गया। तो जो इन दोनों टीमों का इतिहास का पहला टी20 मैच खेलेगा, क्या उसमें वेस्ट इंडीज मैदान फतेह कर पाएगा, युगांडा कर लेगा उलटफेर, चलो एनालिसिस करते हैं, पता लगा लेते हैं। बस उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता हूँ, अगर आप भाई का सपोर्ट ना करोगे तो कौन करेगा। तो फटाफट भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपको ना मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूँ मैच जीतेगी वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा उसी ओवर में विकेट जाता है, 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए उतने ही रन बनते हैं। तो भैया इतनी जबरदस्त अपडेट ना कहीं और आपको नहीं मिलेगी, आपको यकीन नहीं है तो ऐसा करो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है वेस्ट इंडीज वर्सेस युगांडा, इसमें भाई की अपडेट चेक करना, अगर आपको सब कुछ बढ़िया मिलता है तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, अगर आपको अपडेट पसंद ना आए तो वापस आ जाना, क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी अगर हम इस मैच की बात करें तो संडे 9 जून इंडिया टाइम अनुसार 6 AM कुकड़ो, जब हमारे यहाँ मुर्गा बोलेगा बिल्कुल मॉर्निंग होगी, तभी सिक्का उछाल के मैच खेलने की तैयारी कर रहे होंगे। जो मैच है प्रोविडेंस स्टेडियम गुआना में खेला जाएगा, इस मैदान पर इससे पहले टी20 इंटरनेशनल के 13 मैच खेला गया, जिसमें से 4 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड, 9 मैच में क्या हुआ टारगेट चेस, मतलब यहां के मैदान पे चेस ज्यादा होता है, डिफेंड थोड़ा सा कम होता है। जो एवरेज स्कोर है 148, यानी पहले इनिंग में ज्यादा रन बनते नहीं इसलिए चेज ज्यादा होता है। तो टारगेट चेज की बात करें तो 144 144 के नीचे स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकते हैं। टारगेट डिफेंड की बात करें 160 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकते हैं। 144 से 160 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना मामला बराबर का, जो कि चीज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। यहां का जो सरफेस है ना वो ड्राई एंड हार्ड है, जब यह ड्राई एंड हार्ड होता है तो पता क्या होता है, जब तक बॉल नया होता है खास करके पहली इनिंग में जो बॉल होता है बैट पे ठीक ठाक तरीके से आता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बॉल की साइनिंग खत्म होती है वैसे वैसे जो बॉल होता है ना स्पिनर्स गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, या जो गेंदबाज स्लोवर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं उनको भी हेल्प करता है। बॉल पे पिच थोड़ा सा फंसता है मतलब रुक कर आता है तो बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 62 से 79 मीटर की बाउंड्री, तो बाउंड्री भी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, ऊपर से जब पिच स्लो हो जाता है तो ऐसे मैदान पर रन बहुत ही ज़्यादा कम बनते हैं। तो मतलब जब रन कम बनेगा तो लो स्कोरिंग मैच होगा, लो स्कोरिंग में काफ़ी फाइटिंग मैच होता है। तो भैया आज का भी जो मैच है ना मुझे लगता है ये फाइटिंग होगा, क्योंकि जो पावर प्ले है मुझे लगता है 44 से 49 के बीच में स्कोर देखने को मिलेगा। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो आपको 140 से 155 के बीच में। अगर इस मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने 8 मैच खेला, 5 जीता 3 हारे, तो वेस्ट इंडीज की जो परफॉर्मेंस है गुआना के मैदान पे वो ठीक ठाक है। लेकिन युगांडा की बात करें इसने भी 2 मैच खेला, 1 जीता 1 हारा, तो युगांडा भी इस मैदान पे बढ़िया परफॉर्मेंस कर चुका है। हालांकि वेस्ट इंडीज वर्सेज युगांडा इस मैदान पे पहली बार खेलेंगे, जब पहली बार खेलेंगे तो क्या होगा चलो पता लगा लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टीम वेस्ट इंडीज के, अगर इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि कोई चेंज होगा, सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। हालांकि बल्लेबाजी की बात करें तो ब्रेंडन किंग बढ़िया खेल रहे हैं, बढ़िया शुरुआत दिलाते हैं, लेकिन जॉनसन चार्लिस एक मैच में चलते तो 2-4 मैच में टाइम टाइम फिस रहते हैं। तो ओपनिंग जोड़ी जो है वेस्ट इंडीज की वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जॉनसन चार्लिस बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, ब्रेंडन किंग फॉर्म में, तो एक चलता है एक नहीं चलता। निकी पी निकोलस पुरन की बात करें तो बहुत अच्छी फॉर्म में रन बना रहे हैं, जब ये ऊपर खेलते हैं तो और अच्छा खेलते हैं, जब नीचे खेलते हैं तब भी बढ़िया खेलते हैं, तो निकी पी बढ़िया फॉर्म में है। बात करें रोस्टन चेस की, रोस्टन चेस कमाल का ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी में मतलब वेस्ट इंडीज के लिए ना रीढ़ की हड्डी तय होते हैं। पहले इस जगह को से होप बोलते थे मेरे लिए है, लेकिन रोस्टन चेस ने बोला मेरे लिए, क्योंकि रोस्टन चेस बल्लेबाजी के साथ ना बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ
गेंदबाजी का भी ऑप्शन देते हो। जो इनकी फॉर्म है वो भी ठीक ठाक है। बात करें अगर हम यहाँ पे कप्तान रूबेन पॉवेल की, तो इनकी जो फॉर्म है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर एक दो मैच में चलते हैं तो दो चार मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। सरफेन रदरफोर्ड की बात करते, इनकी भी जो फॉर्म है वैसी है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। बात करें आंड्रे रसल की, तो रसल मसल कमाल की फॉर्म में है, खास करके अपनी गेंदबाजी से। मतलब सभी मैचों में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, किफ़ायती रहते हैं, एक दो विकेट चटकाते हैं, और साथ में बल्लेबाजी का जो तड़का देते हैं ना, 15-20 ओवर में 40-45-50 ताबड़तोड़। तो आंड्रे रसल की जो फॉर्म है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बल्लेबाजी की बात करें तो हम कह सकते हैं जो वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी, आधी बल्लेबाजी बढ़िया कर रही है, फॉर्म में है, आधी बल्लेबाजी बढ़िया नहीं कर रही, आउट ऑफ फॉर्म है। बाकी गेंदबाजी की बात करें तो अल्जारी जोसेफ आईपीएल में बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करते जो कि पिछले मैच में दिखा। तो हम कह सकते हैं जो अल्जारी जोसेफ है फॉर्म में है। अकील हुसैन की बात करें, भले ही विकेट कम मिलता है लेकिन किफायती हमेशा रहता है, लेकिन एक आता दो विकेट चटका भी देते हैं। रोमारियो सेफर्ड की बात करें तो विरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं, कभी कभी महंगे जरूर होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गेंदबाजी हो तो थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करते हैं, उससे कहीं ना कहीं डेप्थ मिलती है वेस्ट इंडीज टीम को। हालांकि जो इनकी फॉर्म है उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं दिख रही। हुडा केस मूटी की बात करें, ये गेंदबाज कमाल का है, पिछले दो चार महीने में ना वेस्ट इंडीज़ के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है, क्योंकि जो इनकी फॉर्म है काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त है। बाकी जरूरत पड़ने पे आंड्रे रसल है ना बढ़िया गेंदबाजी करने के लिए, तो जो वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी है ये भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं कह सकते, हालांकि ठीक ठाक है। बात करें हम यहाँ पे युगांडा की, तो भैया देखो मुझे नहीं लगता ये चेंज करेंगे, क्योंकि पहला मैच हारे थे, दो तीन चेंज किया, दो तीन चेंज करने के बाद ये टीम बनाई और ये जब टीम बनी तो मैच जीता, तो युगांडा भी सेम टीम के साथ जाएगा। बात करें परफॉर्मेंस की, तो बल्लेबाजी बिल्कुल फ्लॉप है, एक आता दो बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं, गेंदबाजी इनकी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पहले बल्लेबाजों की बात करें तो सिमन सिसाजी और रोजर मुकासा, ये दोनों ओपन करने आते हैं। दोनों की बात करें तो दो चार दस मैच में एक आध दो ही मैच में बढ़िया शुरुआत दिला पाते, नहीं तो दोनों की जो फॉर्म है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। रॉबिन्सन ओबावियो की बात करें, इनकी भी वही कहानी है, दो चार दस मैच में, मतलब आठ दस मैच में एक आता दो पारी में ही बढ़िया, मतलब एक आता दो मैच में बढ़िया पारी खेलते, नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। सबसे बढ़िया कोई बल्लेबाजी इनके लिए करता तो रिजात अली शाह, जैसा कि पिछले मैच में देखा होगा वन मैन आर्मी की तरह रन बनाया था, सबसे बढ़िया बल्लेबाजी यही करते हैं, इनकी जो फॉर्म है वो भी ठीक ठाक है। बात करें अल्पा दिनेश नकरानी की, तो दिनेश नकरानी की भी जो फॉर्म है बल्लेबाजी से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। अल्पेश रमजानी की बात करें तो कमाल का ऑलराउंडर है, जो गेंदबाजी तो हमेशा बढ़िया करते हैं, एक दो तीन विकेट चटकाएंगे, गेंदबाजी से अल्पेश रमजानी बहुत अच्छी फॉर्म में, लेकिन बल्लेबाजी में ये भी कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, लेकिन गेंदबाजी इनकी हमेशा बढ़िया रहती है। केनाथ वैश्वा की बात करें तो पिछले मैच में इनको मौका मिला था, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन ज्यादा कुछ बढ़िया फॉर्म इनकी है भी नहीं, और जो पिछले मैच में दिखा बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन कप्तान ब्रेन मसावा की बात करें तो काफी जबरदस्त कप्तानी करते हैं, गेंदबाजी भी काफी खतरनाक करते हैं, जो इनकी फॉर्म है बहुत ज्यादा अच्छी है, और दोनों ही मैचों में सबसे बढ़िया किसी ने गेंदबाजी करी है तो कप्तान ब्रेन मसावा ने, जो कि थोड़ा बहुत बल्लेबाजी करते हैं लेकिन बल्लेबाजी में बहुत कम चलते हैं, गेंदबाजी इनकी हमेशा सॉलिड रहती है। जुमा मियागी की बात करते, पिछले मैच में खेलने का मौका मिला था, हालांकि जो करंट परफॉर्मेंस है उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, जो कि पिछले मैच में दिखा भी, ज़्यादा कुछ ना कर पाए, विकेट ना मिला, किफायती जरूर रहे। बाकी कोसमोस क्वेटा की बात करें तो कप्तान ब्रेन मसावा के बाद कोई सबसे बढ़िया गेंदबाजी करता है ना तो वह है कोसमोस क्वेटा, जो भी बोलो, मतलब थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन इनकी जो फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त, जबकि दोनों मैच में आपको दिखी होगी बढ़िया गेंदबाजी करे। बाकी फ्रैंक नुबुका को पिछले मैच में खेलने का मौका मिला और नुबुका ने जो गेंदबाजी करी ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त थी, हालांकि जो करंट परफॉर्मेंस थी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए पिछले मैच में, मतलब पहले मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन पिछले मैच में मौका मिला, मौका का फायदा उठा के बढ़िया गेंदबाजी करी। तो अगर हम यहां पे देखें युगांडा की परफॉर्मेंस की, तो बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो कमाल की फॉर्म में है। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्स मैच के बिहाफ पे कंपैरिजन करें तो वेस्टइंडीज ने अपने आखिरी के छह मैच पे चार जीता बस दो हारा, यानी बढ़िया कर रहा है। युगांडा की भी बात करें तो आखिरी के छह मैच पे चार जीता बस दो हारे, तो युगांडा भी बढ़िया करके आया है। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 152-152, मैंने बोला था ना बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा खराब चलती है इनकी। बात करें वेस्टइंडीज की तो 184-184, तो यानी जो इनकी बल्लेबाजी है बढ़िया चल रही है, लेकिन दो तीन बल्लेबाज, बाकी बल्लेबाज ज्यादा कुछ ना कर पाते। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.85 का मतलब है कि जो गेंदबाजी है थोड़ा सा महंगी होती है, जो इनके गेंदबाज है वो 170 से 190 के बीच में रन खाते हैं, 170 से 180 के बीच में रन खाते हैं, और बल्लेबाज 184 बनाते हैं। तो कभी कभी जब भी बल्लेबाजी फ्लॉप होती है मैच हार जाते हैं, तभी आखिरी के छह मैच में चार जीता दो हारा। बात करें अगर हम यहाँ पे युगांडा की गेंदबाजी एवरेज की 4.48, साला यकीन ही नहीं होता यार 4.48 किसी का गेंदबाजी एवरेज हो सकता है इनका है,
पिछला ही मैच देख लो, सामने वाली टीम को 77 पे इन्होंने ऑल आउट कर दिया था। हालांकि अभी बड़ी टीमों के सामने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, आज देखने वाली बात होगी क्या वेस्ट इंडीज की ताबड़तोड़ पारी के बल्लेबाजी के सामने भी इनका गेंदबाजी एवरेज 4.48 होगा या नहीं होगा। जो ये मैचेस जीतते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपने गेंदबाजों की बढ़िया गेंदबाजी की वजह से जीतते हैं। तो रिजल्ट की बात करें तो दोनों टीमों का एक जैसा है, बल्लेबाजी एवरेज में वेस्ट इंडीज बहुत ही आगे, लेकिन गेंदबाजी जो एवरेज है ना बहुत ही खतरनाक है किसका, युगांडा का। तो हम कह सकते हैं जो मैच है बल्लेबाजी वर्सेस गेंदबाजी, एक तरफ वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी मजबूत, दूसरी तरफ युगांडा की गेंदबाजी मजबूत। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम मैच जीतेगी, चलो मैं आपको अभी के अभी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। साथ में वीडियो को लाइक कर देना भैया। सारी एनालिसिस के बाद जो मैच है ना, अब वो 75 एंड 25 है, 75 टीम वेस्ट इंडीज, 25 टीम युगांडा। दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है जो आज का मैच है ना, टीम वेस्ट इंडीज अपने नाम पे कर सकता है। बाकी आपको मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जिस टीम को बोलता हूँ मैच जीतेगी वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा उसी ओवर में तो बिगड़ जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट आप चिराग लेके ढूंढोगे ना तब भी कहीं और नया मिलेगी, आपको यकीन नहीं है? अच्छा बिल्कुल यकीन नहीं है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी। अफसर प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, जाओ ज्वाइन करो। जो आज का मैच है वेस्ट इंडीज वर्सेज युगांडा, इसमें भाई का अपडेट चेक करना। अगर आपको सब कुछ बढ़िया मिलता है, काम पसंद आता है तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना। अगर आपको अपडेट अच्छी ना लगे तो वापस आ जाना, क्योंकि आने जाने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।